हेलो फ्रेंड, आपका आपके टेक्निकल कंप्यूटर कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर होता क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए हम जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर जो होता है वो एक विद्युत मशीन होता है। इसमें हम डाटा एंटर करते हैं, अगर कोई भी चीज़ हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें एंटर होके वो हमें रिजल्ट देता है। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू में क्या होता है, ये सीपीयू के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में। कंप्यूटर जो होता है उसमें क्या शुद्धताएं होती हैं, क्या गुण होता है, उसमें क्या क्वालिटी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला फीचर जो होता है वो स्पीड होता है। इट प्रोसेस द डाटा एट ए वेरी हाई स्पीड। यदि हम कोई डाटा इंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमें आसानी से जल्दी से दे देता है। इसकी काम करने की स्पीड बहुत हाई होती है। कंप्यूटर में जो एक्यूरेसी होता है वो 100% होता है। कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है वो बहुत ह्यूज होता है, और इसमें हम जब कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। कंप्यूटर का डिलीजेंस ये होता है कि ना कभी वो बोर होता है ना कभी थकता है, और ये हमेशा जब चलाएंगे तब चलेगा। कंप्यूटर की क्वालिटी एक ये होती है कि ये बहुत सारे चीज़ों को एक साथ कर सकता है, और वो चाहे कोई भी काम हो। कंप्यूटर में टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है जो हार्डवेयर होता है, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में मेन फोर पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मॉनिटर, फिर दूसरा सीपीयू, और फिर थर्ड जो होता है माउस होता है, और फोर्थ होता है कीबोर्ड होता है। ये चारों पार्ट कंप्यूटर के मेन पार्ट होते हैं। इसके एक ना होने पर कंप्यूटर चल नहीं सकता है। हार्डवेयर हमने जान लिया, अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम ये कह सकते हैं कि हम महसूस कर सकते हैं उसको, हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम होता है जो सिस्टम के अंदर पहले से ही रहता है, और ये इसका जो प्रोग्राम होता है वो ये होता है विंडोज 7 होता है, फिर MS वर्ड होता है, MS पेंट होता है, MS पावर पॉइंट होता है, और आप बहुत सारे होते हैं प्रोग्राम्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।